पापा के खराटों से कितना छुटकारा मिलेगा. द बेस्ट बेस्ट बुकिंग सो फार. हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ. मम्मी को याद दिख गया कि हमारा फ्रेंच फ्राइज. मैं बॉलीवुड गाने बजाऊंगी और तू गाड़ी चला. आई एम ग्रेस. ये तो ग्रीक में बात कर रही है. चप्पल से उसको मार रही है. कितने का दोगे? The large book tote. Yeah. How much is this? In it's 2,700 euro. जितनी बार मैंने लोगों को कैरी करते हुए देखा है बुक टोट, आई थॉट इट वाज वेरी प्रैक्टिकल. मुझे बर्थडे पे ऑनेस्टली बुक टोट ही लेना था जब मैंने गुची की वॉलेट ली थी. इट्स अ फुली कैनवस थिंग बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी अंडरवेलमिंग. आज जब मैंने एक्चुअली उसको पकड़ा पहना और देखा बहुत ही अंडरवेलमिंग लग रहा है. और 40,000 का फर्क है इंडिया प्राइस और इस्तांबुल एयरपोर्ट में. मतलब इधर थोड़ा सस्ता है ऑफकोर्स. आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. इट्स आफ्टर कन्वर्जन इट्स लाइक 2,34,000. डिडंट लुक दैट वर्थ इट टू मी. डिडंट हैव सो मच गोइंग ऑन. मम्मी का घूम गई. ये ब्रांड्स में ना मम्मी घूम जाती है. दे हैव एवरीथिंग. योर एलवी, माइकल कॉर्स. माइकल कॉर्स जाके देखिए एक बार. माइकल कॉर्स तो सस्ता होगा. सम डे इंशाल्लाह दिस विल बी अ ब्रैग वी विल कैरी. है ना मम्मी? This is not like broad enough. मम्मी कहाँ गायब हो गई अभी? मम्मी नहीं घूम सकती है. शिट, वापस गुम हो गई क्या मेरी माँ? हाँ शुदर है. बाप रे, मम्मी का बहुत डर लगता है. मम्मी के पास रोमिंग भी नहीं है. मम्मी, you're supposed to follow me. क्या हुआ? नहीं था. कलेक्शन इतना घटिया है. इंडिया में इतना अच्छा कलेक्शन था तभी. हाँ. तुमको बोली थी मेरे को लेने दो. हाँ ठीक है, ले लेना ना अभी जाके. देख लेना भी करता रहे. ये ट्रिप पे कैरी कर सकती ना, ले लेती थी तो. अरे अभी मुंबई बैग बैग पैक की तो कैरी करना है. अभी मुंबई में लेके क्या फायदा, कहाँ लेके घूमू मैं. गाइस आई एम टेकिंग अ वैलेंटिनो परफ्यूम. आई स्मेल्ड दिस एंड आई स्मेल्ड दिस. दिस स्मेल्स वेरी बबल गमी टू मी. दिस इज द वनीला एंड बर्बन एंड दिस वन हैज वायलेट लीव्स एज इट्स मेन नोट्स. आई रियली लाइक दिस. आई लाइक डार्कर स्मेल्स एनीवेज, सो I'm getting this one. I did try a couple of others, like I wanted C also, but I don't think I have Valentino in India, the collection. I haven't smelled it smell to nahi kiya, but anyways, duty free is always cheaper, so pick your perfumes from your airports, babies. And mummy ko chashme bhi mil rahe. Kaisa lag raha hai? Nahi, ye nahi acha lag raha hai. Bahut black hai. Tum sirf trial kar rahi ho, tum kharidogi? Kharidogi. To main jaau aage payment ke liye ki ruk jao? Kya hai, main late rahega to nahi karna. Ye na. Ye pasand aaya. Late nahi ho raha hai na flight ke liye. Go to gate aa gaya. हाँ ये अच्छा है. अच्छा है. हाँ कितने का है? 21 पड़ रहा है रुपीस में. हाँ ले लो. ये 239 यूरो. हाँ ले लो. एक मिनट और एक पेन की बताऊँ. मेरे को तो अपने लिए बहुत कुछ अच्छा लग रहा है. कंट्रोल. क्लोई के फ्रेम्स बहुत बड़े हैं तुम्हारे लिए. ये मेरे बर्बेरी जैसा है, फिर तुम बर्बेरी यूज कर सकती हो. वो वाला ट्राई कर रही थी फेंडी का, वो दिखाओ मेरे को. वो नहीं अच्छा लग रहा. नहीं अच्छा लग रहा है. फेंडी इज अ बेटर ब्रांड. टॉम फोर्ड इज अ बेटर ब्रांड. Show me. Yeah, this looks good. A few minutes later. Marble cake is good? Yes. Okay. I needed my coffee so bad. I was waiting to have my cup of coffee. Our gate is right here. Pahunch gaye finally. Aur delayed nahi hai flight. One water, two water. Is there sugar? Sugar? Add sugar? Okay. एथेंस का वीजा लग गया. एथीना में एंट्री हो गई है ऑफिशियली इन ग्रीस. बेबी कांट बिलीव आई एम इन माय ड्रीम कंट्री. आई एम एट द अराइवल हॉल है. अच्छा यूर इन पार्किंग. यूर इन पार्किंग. ओके ओके ओके. कम फ्रॉम एग्जिट 1 अप टू 1 पार्किंग. हाँ P1 पार्किंग. वील आस्क वंस यू इन द पार्किंग लेट मी नो. P1 पार्किंग. ओके. ट्रैफिक है बोल रहा है तो वो बाहर ही है. वो आने की कोशिश कर रहा है 5-7 मिनट में. वो बोला आ सकते हो तो आ जाओ. चलते हैं ना. खड़े रह के करने का. अपन खड़े रह वे वो आए अगर बाहर ट्रैफिक है. एग्जिट 1 पार्किंग P1. ये देखो 1 है ना पप्पा. हर चीज 1 लिखी है. चलो प्लीज एग्जिट ममा. अराइवल्स ए. हेलो. हाय. Nice to meet you. Hello. अच्छी उसका बिजनेस पार्टनर आया मम्मी तुमको लेने को. गाइस ही इज नॉट अ ड्राइवर. ये हमारे एयरबीएनबी वाले का बिजनेस पार्टनर है. शुड वी गिव द स्मॉलर वंस अहेड? देयर इज वन वेरी बिग वन.
a mess today in the airport. It's not usually this crowded? Not always. Okay. Where exactly is it? In this building? Hello, hi. We have to pay him 45 euros. Hello. For transport, right? Yes. We have to pay him 45 euros. Yes. Yeah. Bye, bye, thank you. How are you feeling? 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 तुमको क्या मिल रहा था होटल रूम में दीदी और भी छोटा था देखते कितना बड़ा आ रहा था So here we are. Yes, thank you. You're welcome in our place. Here is the living room. Yes. The Acropolis view. Yes. Acropolis view. Oh wow. Oh wow. Kitchen is nice, modular. We got a dining table. Master bedroom. Mm-hmm. 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 Yeah. Nice. Kush. And from this way the other bedroom with the bathroom. Yes. In Athens you can pay everywhere with your credit cards except the taxis. The only problem in Athens is the pickpockets. Okay. Mm. In the metro, on the lines for the museums, mm-hmm. It's possible. Not very often, but it's possible. Have a very good time. Please send me all the links for the bus, for the e-ticket and bus. Yes. Thank you. Bye. Good night. Bye. Yes. Everything is there. Yes. Induction. Theo. Yes. Can you please show the gas operations? Just show me this induction because we have the other. This is working. It's with electric. Electric, yeah. Yes, it's very easy. For the hot plates. Okay, touch screen, huh? Yes. Look at the view, guys. We can see Acropolis from here. We are right banging in the historic center of Athens. Hotel room is closed. It's so happy. It's a big space. After what we had in Turkey, both the places, this is luxury. This is as big as it gets, huh? But I don't know how big Mykonos is, but Santorini is small. Big money, small room. Yeah, small money, big room. Gosh, finally I have my own room. Papa ke kharato se kitna chutkara milega. Can you believe it, guys? I have my own bed and my own room. Till now in Turkey, I was squeezed on a small bed in the corner. ये हम लोग पूरा इस्तांबुल से कैरी करते हुए लेके आए हमारा बचा हुआ मटन टब मिला इन लोगों को लुक एट देयर बाथरूम लुक एट देयर रूम दे हैव अ फ्रिकिंग बिग वार्डरोब एंड लुक एट देयर बाथरूम डिलिशियस दिस इज द ओनली बाथ टब वी आर गोना गेट लाइक एवर आई हैव अ कॉमन बाथरूम आई हैव अ शावर एंड आई हैव द बिग मिरर एंड अ वॉशिंग मशीन विच इज गोना बी वेरी यूजफुल बिकॉज सारे टर्की के कपड़े अभी धुलेंगे यहाँ पे कल ऑलराइट गाइस Honestly, this is the best booking so far that I've done stay-wise. मतलब मुझे तो कापड़ों की भी अच्छी लगी बट मम्मी को नहीं अच्छी लगी मम्मी का फर्स्ट Airbnb एक्सपीरियंस है ओवरऑल तो मुझे कन्विंस करना पड़ रहा है कि अच्छा होता है मम्मीज नीड्स ओह मीडियम रेयर का फुल कुक्ड हो गया नुसरते बाय मम्मी वो ब्रेड भी गर्म कर ली जिसको खाने का मुझे नहीं चाहिए ब्रेड ओनली मीट Next day. Good morning, guys. Anda ban raha hai. Pani ki ubal raha hai. Chai ke liye? Coffee ke liye. Okay. We have impulse over here. Jo banegi abhi Athens mein. Look at the view of the Acropolis in the morning. Look at that. Dude. Hum jayenge thodi der mein udhar. But currently mujhe video edit karna hai. Toh main us kaam pe baith rahi hu. Aur ek cheez ho rahi hai ye ghar mein. Machine laga di gayi hai. सारा ने आपकी मशीन लगाया गंदे कपड़ों की बिकॉज बहुत गंदे कपड़े हो गए पूरे इस्तांबुल वगैरह में जो पहने थे वो हेलो
एथेंस की वाइब बहुत ही ज्यादा चिल चल रही है करंटली. मैं नहा धो के पूरी रेडी हो गई हूँ, पूरी नहीं रेडी हुई हूँ, सिर्फ कपड़े पहने हैं मैंने, मेकअप हेयर एवरीथिंग इज लेफ्ट. लेट मी एक्चुअली टेल यू द टाइम, पहले इधर कितने बज रहे हैं, करंटली बज रहे हैं दोपहर के 2:30 एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट एंड वेंट एट 1:00 आई थिंक टू जस्ट फिगर आउट द हॉप ऑन हॉप ऑफ. मैंने तो उनको बोला कि अगर आप लोगों को घूमना है तो घूम लो मेरे बिना, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी कंप्लीट करना था और मेरा सर बहुत दुख रहा था. कल रात को मैं बहुत लेट तक एडिटिंग कर रही थी तो आई वेंट टू बेड वेरी लेट, आई वॉन्ट टू स्लीप सो आई स्लेप्ट अ लिटिल बिट, आई टुक लाइक अ शॉर्ट नैप, टुक माई हेयर बाथ. आई टोल्ड देम आई मीट देम एट अ कैफे, बट उनका मैसेज आया है कि हम लोग आ रहे हैं ऊपर. उन लोगों ने मेरी भी हॉप ऑन हॉप ऑफ की टिकट ले ली. अभी हॉप ऑन हॉप ऑफ इज अ बस विच यू कैन हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ एट ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन. यूरोप में बहुत चलता है ये एंड दे हैव डन दिस इन इटली, बट मैं तो नहीं गई थी ना इटली तो आई डोंट नो कैसे करते हैं. उन्होंने मेरी भी टिकट ले ली है. आई थिंक 48 hours की वैलिडिटी होती है वो टिकट की, तो सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे रुकाता है तुमको. और एक्रोपोलिस तो मुझे इधर सामने से ही दिख रहा है तो आई कैन वॉक इट आउट एंड गो, बट नाउ दैट दे बॉट द टिकट आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट आई वांट टू डू. मम्मी और मैंने कपड़े धो लिए तो मैं वो कपड़े सुखा रही थी, नहा धो ली खुद को भी एंड आई विल गेट रेडी बिकॉज 3:30-4 बजे तक आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट. इधर अच्छी एक चीज है कि बहुत लेट सनसेट होता है ओवरऑल ओनली इन द एंटायर ऑफ टर्की ग्रीस ये सब जगहों पे, तो यू डोंट फील के यू नो थकान हो गई है या कुछ. और अभी वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा धूप है. लेट मी सी व्हाट दे फिगर आउट और क्या करके आए हैं. आई डू वांट टू गो टू द रिवियरा, एथेंस रिवियरा शाम को. हमारा पहले एक्चुअली एक ट्रिप बुक था, दो ट्रिप बुक थे. getyourguide.com इज अ वेबसाइट थ्रू विच यू कैन बुक गाइडेड टूर्स टू द एक्रोपोलिस, टू पार्थेनॉन एंड टू केप सुनियन एंड टेम्पल ऑफ पोसाइडन. ये सारी मतलब एकदम की वाली जो होती है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो सब है. तो मैंने इंडिया से बुक की थी और मम्मी मेरा बहुत दिमाग खा रहे थे कि कर 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 वरना हम लोग होटल में ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं है वो. बट देन जब हमने इस्तांबुल भी ऐसा एक्सप्लोर किया खुद के फुट पे एंड एवरीथिंग एंड व्हेन वी बुक्ड दोस टूर्स, वी हैड बुक्ड दोस वाया Airbnb, वी रियलाइज कि हमको अकेले खुद से एक्सप्लोर करके ज्यादा मजा आई. द गाइड्स वर नॉट गिविंग अस दैट मच इन्फॉर्मेशन, यू नो इंडिया के जैसा नहीं है. लाइक इंडिया में अगर ताजमहल जाओ तो 800 रुपए में कितना वो गाइड इन्फॉर्मेशन देता है, उससे भी सस्ता होता है कोई कोई जगहों पे. फर्स्टली द हिस्ट्री इन टर्की वॉज नॉट एज रिच एज इंडियन हिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, प्लस दे वर नॉट गिविंग अस दैट मच इन्फॉर्मेशन आई फील. तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया फिर फाइनली, मैं मम्मी को बोल रही 25,000 के टूर्स बुक थे एथेंस में, मेरे को नहीं लगता है वो होता है ये वो. मम्मी मैंने कैंसिल कर दिया. दीज टूर्स विच आई हैड बुक्ड वाया इंडिया वॉज नॉट इंक्लूसिव ऑफ टिकट, इट वॉज ओनली द गाइड एंड आई थिंक थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट था बीच में. Airbnb ऐसी जगह पे लिया है कि वो सेंटर ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल प्लेस पे है, तो सारी हिस्टोरिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है. हॉप ऑन हॉप ऑफ की बस में तुमको ऑडियो गाइड भी मिलता है, तो कान में डालो सुनो और देखो, इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट. ओके सो दैट्स द अपडेट. अनदर अपडेट इज कि इधर से वाईफाई बहुत ज्यादा स्लो है, तो इवन दो पूरी रात बैठ के मैंने वीडियो एडिट की है अभी भी 3 घंटों से वो 19% पे अटकी हुई है, बहुत स्लो. 20% हो गया है, 20% पे अटकी हुई है इतने स्लो वाईफाई पे. आई डोंट नो कि मेरा काम कैसे होगा एंड अगर आज वीडियो जाएगी भी कि नहीं, पर अब उसका स्ट्रेस तो ले नहीं सकते. आई डिड माई बिट, नाउ इफ द वाईफाई डज इट्स बिट देन इट्स फाइन, अदरवाइज जॉब अपलोड होगा तो अब देख लेना आप क्या करूंगा. ओ लुक एट व्हाट हैपेंड टू माय सिंपली नेम का ग्लॉस, पूरा का पूरा ना एयर प्रेशर की वजह से देखो एक्चुअल उसका बेस से ही वो टूट गया, इतना अच्छा ग्लॉस था. मॉम डैड एक बार आके गए हैं ऑलरेडी, वो लोग लंच के लिए गए हैं, दे शोन मी अराउंड कि कैसे आना है वगैरह एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स फिल्म किया है, जारा टॉप, मिंत्रा शॉर्ट्स, H&M बैग, नाइकी शूज एंड ऑफ कोर्स गुची सनग्लासेस. लेट्स गो, लेट नहीं होना. आई डोंट नो कि इन लोग कहाँ गए हैं, इन लोग को नाम बोलने नहीं हो रहा था रेस्टोरेंट का. और आज संडे तो काफी बजिंग है सिटी, मतलब ऐसा खाली खाली तो नहीं है. दे जस्ट टोल्ड मी राइट लेके वापस राइट ले लेना, अब मिल जाए तो ठीक है. चल चल के मैं ये कॉर्नर तक आई एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज़ आई कुडंट फाइंड देम, बट फाइनली आई थिंक वी हैव नेविगेटेड. क्या वापस डोनर ही खा रही हो? सुगलाकी इज द सेम थिंग ना, शॉर्मा अदर नेम फॉर शॉर्मा.
sorbet. Gelato. Kokion. Kokion. Gelato? Yeah, homemade ice cream. I saw gelato on yours. Not the brand gelato. You saw the brand gelato? No. But how do I taste? All the flavors will be out on the whiteboard. Can I taste salted caramel? Thank you. I'll take a sorbet. Which sorbet do you recommend? Sorbet, okay. So, I prefer the tangerine and ginger. I'm gonna give it a taste. What in the raspberry variant do you have? Do you have anything like raspberry sorbet? We've got the red fruits. Show me. I'll take this. Good. Yeah. Okay, so a small cup of this. Small cup, yeah. See, the last is 17:35. मतलब वो कितने बजे? First is 9:35. हाँ? 5:35. मतलब last अभी ले रहे हम लोग. 7 बजे कौन बोला तुमको last? वो वाला blue line पे. A little longer than a few minutes later. Already guys, there's been a change of plans. Hop off की ticket mom dad ने ले ली है, but उसका timing होता है और 5:30 बज गए थे और last bus अगर हम ले भी लेते तो it would have just taken us around the main tour spots and we wouldn't have been able to go inside any of the museums or Acropolis and all of that. So that's the reason why we've ditched that plan for today, the hop on hop off का. We've taken a taxi and we are going to Cape Sunion, which is something that we had on the itinerary, but we were on and off about it because वो काफी दूर है. It's like almost 60-70 kilometers. It's a very very long drive and we did not honestly sign up for it, but it's a beautiful place and it has a temple of Poseidon, which is like temple of Poseidon is another like archaeological spot that we want to see. Dekhna to tha, but kyunki dur tha, hum log is on and off ja rahe the. Riviera bhi soche jayenge, but fir buses ke timing aise ki 4-5 baje last bus hai, to uske baad jaake bhi hum wapas Riviera aane ke liye humko taxi karni padegi, to utna hi kharcha ho raha hai. To fir aise hi na, to waise hum taxi leke Cape Sunion ja rahe hain, nayi jagah dekhne मिलेगी और फिर कल हम हॉप ऑन ऑफ कर लेंगे. A few hours later. To stop. I'm sorry, I'm not understanding what you're saying. You'll have to park here. In park. One of park. Park, okay. Yeah. And we'll walk up to the temple. Alright guys, hum pahunch gaye hai Cape Sunion, which is like a mountain peak top. काफी यहाँ पे locals ही है, Indians तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रहे, tourists भी इतने नहीं है, सारे इनकी गाड़ियाँ. कॉफी पीने जा रहे हैं, पहले हम सबको कॉफी का बहुत वो हो रहा है. इधर के बज रहे 7:10, but can you see कितनी धूप है guys? हम यहाँ sunset देखने आए, it's more like a sunset point. It also has an archaeological structure. But पहले कॉफी, first कॉफी. ओ वाओ, किसी का वेडिंग शूट चल रहा है देखो. She's so gorgeous. Her dress is beautiful. Is it self-service? Yes. No. Come, sit in the restaurant. Yeah, we're sitting there. Yes. Okay. Thank you. सुंदर है, वही तो सुन सकते ना.
ये सनसेट है तो अरे वो ऑरेंज लेयर अपने को ट्वाइलाइट की केप से दिखेगी। यहाँ से हो रहा है, स्काई बदल रहा है कलर। ये लोग बहुत आलसी है गाइस। इधर आने के बाद आई थिंक ऊपर जाने के लिए देयर इज अ टिकट जो लेनी पड़ती है। मॉम डैड को आने का बिल्कुल मन नहीं है बिकॉज़ बहुत ठंड पड़ रही है इधर, हवा बहुत ज्यादा है। बट आई रियली वांट टू गो, आई हैव क्लाइंबड अप टू द केप और आज टैक्सी भी करके इधर तक आए हैं। तो जो भी एंट्री टिकट है मैं लेके ऊपर आ रही हूँ, वो लोग उधर बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। हाउ मच इज द एंट्री टिकट? इट्स 10 यूरोस। 10 यूरोस। माय पेरेंट्स चेंज देयर माइंड। Yo, 3 tickets. Okay. This, please, this way. This way. Please, no food or drinks are allowed. Yeah, please I put them in the bag. What changed your mind? No food or drinks. इसे तो अकेली होएगी ना। चलो बंद मत। What they wrote? Something they wrote. It's all in BC. All what you are seeing is BC, not AD. These ground stones are AD, white stones are BC. Wow, what a guide. If you had given me your itinerary, I would have read. अभी तुम इधर खड़ी रह के करो गूगल। ए गिवन मी योर आइटिनरी, वो ग्रुप का स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं अभी। 12 बार दिन में मैं आइटिनरी डालूंगी। 10 यूरो ईच। मैं बोली ना 870 रुपया है। क्या कर क्या रही हो तुम? आज के बीच में सन निकला चाहिए उसको। तुम लोग क्या चलते बने मेरे को लेकर? तीसरा मैं घूम हो जाऊंगी तो ऑलरेडी हो चुकी हो तुम कितनी बार। लैरिसा मेरी पीड़ा कभी भी समझ सकती है, तुम लोग नहीं। तुम लोग तो हंस के बस। वो बेचारी यार उसको पूरा टाइम नहीं झेल लगाया तुमको। Part of it is because the wet, you know, the weathering. Mm-hmm. Takes its toll, but I don't know, there's probably other reasons too. But I'm told if you go to the archaeological museum, everything is very good. Yeah. Okay. We'll go to the one museum, we'll go tomorrow. First morning, we'll go to that. Okay. Going back, sunset's over. It's 9 o'clock, 8:45. Let's go. बस मैं बॉलीवुड गाने बजाऊंगी और तू गाड़ी चला। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वी आर सीइंग? मोनस्ट्राकी। मोनस्ट्राकी। मम्मी सुन, मोनस्ट्राकी। प्लीज प्रोनाउंसिंग इट लाइक दैट समथिंग। मोनस्ट्राकी। I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Now you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. हाँ कल जाएंगे शॉपिंग, आज चले अभी रूम पे। खाने का नहीं है कुछ भी, बाद में उतरेगी वापस। हाँ बहुत लाइवली है सिटी अभी, बहुत लाइवली है। कल नहीं थी, आज संडे है ना इसलिए इतनी लाइवली। कल बाबा अपन उतरे ही नहीं तो कहाँ से लाइव। कल अपन जस्ट पहुँचे थे ना, जो थक गए थे ना। कल 12 बजे पहुँचे रात। 12 बजे पहुँचे तो अभी कुछ नहीं था, सुनसान था ये सब। अपने रूम में से आवाज आ रही थी ना मेरा। सैटरडे नाइट थी ना कल। Oh look at the ice creams he has now, ma. I'm gonna have from him. But he has colorful chocolate cones and everything. You see gelato. Later that same evening. Alright guys, हम लोग वापस रूम पे आ गए खाली थोड़ा फ्रेश होने के लिए। बज रहे रात के 11, इंडिया में तो 1:30, बट मैंने ये वॉच इंडिया के हिसाब से ही रखी हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कोऑर्डिनेट विद माई टीम एंड ऑल्सो इट्स कन्वीनियंट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक वी आर वेरी बैक, वी आर जस्ट 3 hours, two and a half to 3 hours back. Anyway, we are going down. The city is really nice and buzzing. जो स्क्वायर है उधर एक्रोपोलिस की, उधर वहाँ पे बहुत ऐसा लाइव म्यूजिक वगैरह चल रहा है, बट मुझे बहुत नींद आ रही है और हम सब भी थक गए। एंड एथेंस इज लाइक मुंबई वाला
वाइब. अभी वीकेंड है तो बहुत लोग रास्ते पे, एवरीबॉडी इज इन देयर ओन वर्ल्ड. इट्स लाइक हैज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड वी आर स्टेइंग इन द हब ऑफ द सिटी. इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन जहाँ रुके, वो बहुत ही अच्छी बात है. बिकॉज आज हम पूरा ऐसा हिल स्टेशन जैसे अलीबाग जैसे गए थे, एक कोने में केप सोनियन सनसेट देख के वापस आ गए. कल हम पूरा ऐसा हिस्टोरिक सेंटर ऑफ एथेंस करेंगे. बट एनीवे नाउ वी आर गोइंग डाउन जस्ट इफ वी वॉन्ट टू ईट डिनर और समथिंग. आई एम नॉट हंग्री. Dad is hungry, I think. You're hungry or what? No. Then who wants to eat? Mummy. No. Mummy doesn't want to eat. How are you reaching there? मुझे तो नींद आ रही है. मुझे आइसक्रीम खाना है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी. अभी ग्रीस में मैं बहुत आइसक्रीम खाने वाली हूँ. I've given myself that. जैसे मैंने टर्की में भर भर के कबाब खाई हूँ, ग्रीस में भर भर के आइसक्रीम खाने वाली हूँ. Known for its gelatos, just like Rome is. But I'm not in Rome, I'm in Greece. So I will eat over here. Gelato खाने जा रहे हैं. अभी बहुत ठंड हुई है by the way, इसलिए मैंने शर्ट पहन लिया, मम्मी ने मेरा जैकेट पहन लिया. इतना बड़ा घर और हमने इतना पसारा फैला दिया ना, पसारे से मेरे को ट्रिगर हो रहा है कि साफ करो साफ करो साफ करो. So it's like I'm working only over here. I'm working on my laptop. Wi-Fi was so painstakingly slow, guys. मैंने दोपहर को रखा था, अभी भी सिर्फ 85% वीडियो अपलोड हुआ है. मतलब आज मेरी वीडियो नहीं गई. एंड मैंने मस्त वाला बोनस वीकेंड प्रॉमिस किया था आप लोग को. आई एम सो सॉरी, मेरी गलती नहीं है, वाईफाई की गलती है. बट आई विल पुट अप एन अपॉलॉजी पोस्ट अभी मेरे फोन से एंड देन आई विल गो टू ईट आइसक्रीम एंड ईट माई स्ट्रेस अवे. ठंडी है इधर. Later. वो ही सोवलाकी वगैरह होगा. कबाब कबाब तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं. You want me to have from here? Yeah. I like that display better. Just see the display of ice cream here. That is also gelato only, Baba. That looks good. Can I taste that? Chocolate? Yeah. Chocolate with stevia. Can I taste? Yes, of course. Thank you. Thank you. I love that. One scoop. In a cone, in a cup? In a cone. Thank you. How much? €2.50. बाप रे, मेरे को लगा 250 यूरो. सबसे पहले ही तुम ले रही हो. नहीं देखो फोटो, देखो फोटो, देखो फोटो. गिर रहा है. कुछ गिर नहीं रहा है, तुम चाहती हो कि वो गिरे. दिस इज द एक्चुअल चॉकलेट. It's like your, what I give you, no? See his face. Just see his face. Salad पेट में जाता ही नहीं है ना तुम्हारे. नहीं अभी तो तेरा ही सारा बोल देती हूँ. मम्मी नीचे मार्केट में शॉपिंग करके आई थी. दिखाओ फ्रूट, दिखाओ. Freshly baked bread. Can you imagine the varieties and the meats? तुमको यही रहने का है फिर? Yes. आगे नहीं आ रही हो ट्रिप पे? नहीं आ रही हूँ. ओके रेडी फॉर डे टू और आज पक्का हम हॉप ऑन हॉप ऑफ कर रहे हैं. आई एम रेडी इन दिस वेरी क्यूट होप सो नहीं कर रहे हैं. 11 ही बजे हम जा रहे हैं. दो रील्स मैंने शूट किए, सारा कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाएगा. तो यू विल नो द डिटेल्स ऑफ माय एक्सेसरीज एंड माय मेकअप. बट द टॉप आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम वेस्ट साइड एंड आई एम वेयरिंग दीज वेरी सॉफ्ट कम्फी कॉटन पैंट्स फ्रॉम H&M. दिस बैग इज फ्रॉम जारा एंड दी सनग्लासेस आर फ्रॉम ऑल्डो. इयररिंग्स पीछे वाली H&M है, ये मैंने इस्तांबुल से ली है. और ये नेक पीस जो है वो मैंने इश्कारा ने मुझे गिफ्ट किया था. दैट्स इट, दैट्स माई आउटफिट ऑफ द डे. आई रियली लाइक इट एंड माई फ्लैट्स आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट साइड. गिरा दी एक चश्मा, घुमा दी दूसरा, गिरा दी. हाँ ये कर लो पहले. दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे. सी वेयर इज योर टॉप फ्रॉम? इट्स आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ना? नो नो, दिस इज नॉट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. दिस इज फ्रॉम टॉप इज फ्रॉम मनीष नगर. पैंट इज फ्रॉम जारा. पैंट इज फ्रॉम जारा एंड चश्मा इज बोरोड फेदर्स फ्रॉम सारा. या नॉट बोरोड फेदर्स. किस बात का अथॉरिटेटिवली टेकन फ्रॉम मी? वेयरिंग अ डॉटर्स प्रोडक्ट्स इज नॉट इट्स बोरोड फेदर्स. आई एम टेलिंग यू इट्स बोरोड फेदर्स. यू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स, हू इवन केयर्स? इमोशनल, डैम इट. आई डोंट केयर. चल आई एम लुकिंग नाइस, आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम लुकिंग लाइक अ यूरोपियन बॉय. ना अच्छा प्रोड्यूस है इधर. देखना प्लीज. Hop on up off for the first time ever. Hello. Yeah. Headphones.
my first hop on hop off experience. That's your core character, no? Hop on and hop off. That's your character, no? Everywhere hopping on? Hopping off. Here, somewhere, sometime in Andheri, sometime in Bandra, sometime in Kolaba. Kuch bhi bolte hai. Please ignore my parents at all costs. Ye to Greek mein baat kar rahi hai. You change put number two for English. Alright guys, हम hop on hop off पे से first stop पे उतरे हैं Acropolis और Parthenon जो ऊपर museum के ruins दिख रहे हैं वो हमारी खिड़की से भी Acropolis का थोड़ा सा झलक दिखता है. Look at him, he's wearing, this is what traditional Greek attire. Then the god said, don't take fire, it will lead to the destruction of mankind. And he didn't listen. He who's use? Yeah. Then he brought fire, he protected it from all the seas and brought it to the civilization. Who Zeus brought fire? Zeus didn't bring, Zeus gave to that particular person who went to take. Tumko khad rehne ka Acropolis ke upar. I am the Zeus. Hina was a beautiful princess, you know, na? No, I don't. She was the goddess of beauty. What is the best you can give? No, best price? Hindi mein baat kar, Bangladeshi. India? बांग्लादेश कितने का दोगे लास्ट? एक लेगा तीन यूरो का, दो पाँच यूरो का. दो पाँच यूरो का, एक दो बहुत महंगा. अरे यार इंडिया वाले को तो डिस्काउंट नहीं. दो यूरो का, दो यूरो का एक. कौन सा लेने का? वन एक बोल रहे. कौन सा लेने का मम्मी? ऐसा ब्रॉड वाला लेना. हाँ ये वाला चाहिए. हेलो पीछे से नहीं, पीछे से, पीछे से एक ही लिए. मैं सैंड्री, तुम्हारे लिए भी चाहिए? नहीं बस सैंड्री नहीं मैं पहनूंगी. ऊपर जाके हम स्लशीज लिए, मम्मी के लिए हेयर बैंड लिए और वापस नीचे आ गए. Acropolis की हिस्ट्री में गूगल पे पढ़ लूंगी. ओलंपिक देखो खेल रहा है, मेडल जावलिन थ्रो कर रहा है. अरे गाइज हम आए हैं नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम. पूरे कंट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम यही है. एंड कल हमको एक लेडी मिली थी, हम जब टेंपल ऑफ पोसाइडन गए थे, और उन्होंने बोला कि एक्रोपोलिस म्यूजियम से बेटर ये वाला म्यूजियम है, बिकॉज ये थोड़ा पुराना भी, एक्रोपोलिस अभी नया नया बना है. बाहर से तो सभी स्ट्रक्चर्स जो इनके मॉडर्न वाले हैं ना, ऐसे ही दिखते हैं, विद द पिलर्स एंड द कर्ल्स ऑन टॉप एंड दैट वेरी क्लासिक आर्किटेक्चर दैट दे हैव ऑफ देयर रुइंस. सारे ब्रॉन्ज, गोल्ड, इज ऑल बिफोर क्राइस्ट की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. ऑल द गोल्ड एवरीथिंग इज ऑल बिफोर क्राइस्ट. यू कैन सी ना गाइस, वो पत्थर, वो उन लोगों को खाली फ्रैगमेंट्स मिले हैं और फिर बाकी की पेंटिंग उन्होंने खुद कंप्लीट की है. गाइस दिस इज नाइकी, द स्टैचुएट ऑफ नाइकी, बट उसने नाइकी के जूते तो नहीं पहने. दीज आर ऑल द रिमेन्स दैट द आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एंड देन देव ट्राइड टू कम्प्लीट द इमेजेस, पेंट अ पिक्चर, पुट द डेट्स एंड एवरीथिंग. और ये पूरी उनकी स्टोरी इज वॉट यू नो, दिस इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, दे स्टडी द रिमेन्स एंड देन दे ट्राई टू प्रेडिक्ट वॉट मस्ट हैव हैपेंड तभी और क्या डेट थी. तो दिस इज ओनली द हेड ऑफ द स्टैचू दैट वॉज फाउंड एंड दिस दे आर प्रेडिक्टिंग 144-479 इज ट्रॉय, किंग ऑफ ट्रॉय, बींग ड्रैग्ड बाय द हेयर बाय अ ग्रीक वॉरियर. तो ये ऐसा हो सकता है कि ये हेड है और वो वॉरियर उसको खींच रहा है किंग ऑफ ट्रॉय को. इधर से दैट्स हाउ दे कम्प्लीटेड द स्टोरी. दिस इज द स्टैचू ऑफ पोसाइडन और उसके हाथ में ना त्रिशूल ट्राइडेंट था बट वो है नहीं. एंड इधर देयर इज अ डॉल्फिन सपोर्टिंग हिम और लिखा हुआ है उधर, इज द हेड ऑफ अथीना, एथेंस इज नेम्ड आफ्टर हर. ही हैड अ गोट फुट एंड ही वॉज ऑल्सो अ गॉड एंड शी इज एफ्रोडाइट. और चप्पल से उसको मार रही है बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू मेक एडवांसेज एट हर.
got off the hop on hop off at Mona's truck ki jahan hum reh rahe wahin pe and ab hum ja rahe hain lunch ke liye to this spot jo mummy ne bus mein se dekha goodies burger spot I'll have two of your barbecue pulled beef burgers two classic and one regular coke no I don't want chips it's 15 euro and 20 cents please 15 euro This restaurant has such beautiful exteriors. It's fairy tale Athens. It's a very pink wasabi from Mumbai wala vibe. Yes. Dinona. This is ice cream waiting. This one is gelato Dinona. Hi, can I taste that? I don't know how to say it. Nocciola? Nocciola. It's With hazelnut. But even that is with hazelnut, right? Yes, but it's like chocolate, like Nutella. And tiramisu, I'd also like to taste tiramisu. Okay, give me a second. This is good. Which one? Literally hazelnut melted. Very good, no? They have so many cone options. Yes. I'll have Belgian choco chip with hazelnut. Which cone do you want? Nocciola and Bazze, it's with hazelnut. Here you go. Thank you. You're welcome. Enjoy. Much later. मम्मी ना सिर्फ कम्प्लेन किए जा रही है कि हम लोग बुढ़े हो गए हम लोग कुछ मजे नहीं करते खुद को कुछ नहीं करने का है ठीक है ना तो पैसे संभालती है ना तो कार्ड्स रिफिल करती है ना तो कुछ लॉजिस्टिक्स करती है खाली आ ले 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 आ ले ले करके जाती है रस्तों पे फ्रूट लेके आती है अभी मम्मी शाम को शॉप पे गई ना मैं उतरी नहीं नीचे डर ही लग रहा है कि खाली पैसा बर्बाद कर देती बट लकी और फ्रूट लेके आई ना वो दो तुमने जो बर्गर मंगाई थी वो बर्गर इतने और इतनी बड़ी मुर्गी ले अभी सबसे ज्यादा तू ही खाने वाली है अभी मैं क्या करूँ तुम 5 यूरो की मुर्गी लेके आई हो मैं को खाना 6 यूरो की अरे बट उसमें कुछ मसाला भी होना चाहिए रोस्ट चिकन है तंदूरी नहीं तुम तंदूरी बड़ी मैं खुश हो गई लाल मसाले वाली मुर्गी लाई होगी इंडिया के रेस्टोरेंट में चले जाते ना अपन मैंने कितने सारे इंडिया के आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाने नहीं आए अपन ग्रीस अपन इंडिया में जाके इंडियन मैंने मुसाका नहीं खाई सागना की नहीं खाई कुछ भी नहीं खाई तो चलो मुसाका सागना की अभी तुम वो मुर्गी लेके आये तो अभी वो खाना पड़ेगा ना अपने खा लेंगे ना सुबह सैंडविच बना के उसको खा लेते मुर्गी खाओगी सुबह सुबह 5 बजे अपने को जाने बना के अब तक हेट खाए जे आंडले ना खाए सागना की और मुसाका तुम नुसरत का हम लोग ने एक का पंगा कितनी बैठ के अरे वो लोग रेसिपीज ऐसे ऐसे बोलते ही ना तो हम लोगों को तो आइडिया नहीं थी ना कि एक एक रेसिपी नहीं मैंने उसको बोली आई लीव इट टू यू ये बड़ी है ना तुर्रम खान हमारे पास बहुत पैसा है लीव इट टू यू सीधा सीधा होटल के मैनेजर को बोलती है देखो जो भेजने का भेज हम लोग खाएंगे तो वो तो थ्री कोर्स लाते गया लाते गया लाते ये तो है ना अपनी अपनी महान वो बकलावा तो बकलावा वैसे ही लाता है वो एक एक मतलब जितने पीस तुमको चाहिए वैसा देता है वो सबको ऐसे ही लाता है अरे जहाँ हम लोग मम्मी तो फर्स्ट कोर्स के बाद ही बोली रुका दे इसको तो वो बोलता है ऑलरेडी मीट अभी बन रहा है ऑलरेडी ग्रिल पे वो एक फर्स्ट लाया ना स्टेक उससे हम लोग का मतलब मेरा पेट तो भर गया
मेरे को इतना मीट खाने की आदत ही तो है ही नहीं ना. लिव इन द मोमेंट तो है ही नहीं मम्मी का. उधर बैठ के जैसे जैसे मीट आ रहा है सोच रही है अब इसको घर कैसे लेके जाएगी, इसको पैक कैसे करेंगे, इसको कभी खाएंगे. मैं बोली अभी बैठ के तो इंजॉय करो यार, अभी जाओ वो मीट तो खाओ. और बोलती है हम लोग बुड्ढे हो गए. मेरे को इतना पैम्पर किया, इतना मतलब उन लोगों को जैसे पूरे होटल वालों को मालूम था कि मेरा बर्थडे. मेको ना टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये सिटी इतनी अच्छी नहीं लगी इस्तानबुल. जैसे मेरे को इस्तानबुल का इतना फोमो हो रहा है मैक्स, मेरे को इतनी याद आ रही है. मतलब मैं आग बंद कर रही हूँ तो मेरे को इस्तानबुल की याद आ रही है. और मेरे को अभी ऐसा है कि मिकोनोस एंड सैंटोरिनी में अगर कुछ है बुक करना है, क्योंकि मैंने कुछ भी बुकिंग नहीं की क्लब्स की या ये सब, तो मैं वो सब चेक कर रही थी. इसलिए आई एम नॉट गोइंग आउट इन दिस सिटी, वेरी कोल्ड एंड सैड वाइब. लाइक एवरीथिंग इज देयर, ब्रांड्स वगैरह है, बट वो सब तो हमारे इधर भी है. बट इस्तानबुल वॉज लाइक रिच इन कल्चर एंड लाइक buzzing streets and safe. ये भी safe ही है, ऐसा कुछ safety का problem नहीं है, but you know what I mean? No, I don't understand what you mean. I just understand that when you travel, you need to explore every lane, every aisle of the city. मैं usually करती हूँ, but अभी मेरे को बहुत आज feel नहीं आ रहा. ये city में मेरे को feel नहीं आ रहा. I'm not vibing with Athens the way. That's you stuffed your head with. The only thing I've enjoyed in Athens is gelato. वो तो मैं आगे भी enjoy करूँ. Airbnb में रहने का ना सब फायदा है. देखो सब कपड़े सूख गए. पीछे कपड़े सूख रहे हैं, एथेंस में हम लोग कपड़े धोने को आए. मैंने बस में से ना इतना अच्छा बर्गर के मतलब पोस्ट देखी. अरे बहुत कि मतलब यूरोप में अच्छा लगा ना बर्गर्स, बीफ बर्गर्स एकदम जूसी रहते हैं, मेरे को पसंद ना. तो मैंने दुबई में खाई थी बीफ बर्गर, तो मैं बोली सारा कुछ चल वो शॉप में जाते, मेरे को बर्गर खाने का मन हुआ. तो हम लोग गए, ना उसमें जूस था ना उसमें कुछ था. उसके ऊपर उसने क्या किया, बेकन डाला. और पापा पहले ही बोले मैं तुम लोग दोनों का जो बचेगा मैं खा लूंगा. Many hours later. That is all you guys for our time in Athens. This is it. हम कल सुबह निकल रहे हैं यहाँ से and we have a very early morning ferry to go to Mykonos. अभी final two islands है ग्रीस के, जिसके लिए I was most excited. To be very honest, amongst all the cities जो मैंने पूरी दुनिया में देखे होंगे, Athens has to be the least impressive one. मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, ना तो ग्रीक mythology की I'm a big fan. ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में. I like to see and read history, but Greek history somehow did not excite me that much. मतलब सिर्फ ruins बचे ना, ये सब before Christ की history है, तो सर इतना कुछ amazing नहीं. Maybe one day also in Athens is more than enough. And even if you want to like skip it and just keep it in transit, तो चलेगा. Like अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्तानबुल में थोड़े ज्यादा दिन रखने चाहिए थे. एक दिन भी extra मिल जाता इस्तानबुल में तो ज्यादा मजा आती, as opposed to you know Athens. But ठीक है, travel करो तो ये experience होता है. Next time inshallah ऐसा नहीं करेंगे. And you, if you're planning your trip, then you can keep Athens as a transit. Even airport पे मैं देख रही थी कि सारे लोग मतलब Athens airport खाली एक transit के जैसा यूज कर रहे थे, और वो लोग एथेंस टू लंडन या हीथ्रो ये वो मतलब कहीं पे भी रुकने रहते. ज्यादा लोग इतने रुके नहीं और निकले नहीं एयरपोर्ट से. हम तो टूरिस्ट थे तो हम ऑफकोर्स निकले, एक्सप्लोर किया एज कपोज टू दुबई, साउथ अफ्रीका एंड बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर. और कहाँ घूमी हूँ मैं अभी अभी इस्तानबुल, टर्की, ये सब के कंपैरिजन में मुझे मेरी लास्ट ऐसा लीस्ट ट्रेडिंग मुंबई, दिल्ली वगैरह में. इंडिया तो भूल ही जाओ, इंडिया तो अमेजिंग, बट लास्ट मतलब एकदम रेटिंग पे आता है एथेंस फॉर मी. रियली रियली होप द आइलैंड्स इन ग्रीस इम्प्रेस मी, बिकॉज मेरा ग्रीक आइलैंड्स का ही सपना. अभी वी आर गोइंग टू द टू मोस्ट फेमस वंस विच इज मिकोनोस एंड सैंटोरिनी, एंड आर बुकिंग्स एंड ऑल ऑल्सो ओवर देयर हैव been the most exciting ones for me. So those will be the couple of vlogs to follow. I hope you guys are enjoying the travel with Sar so far. Turkey to bahut hi acha tha. I highly recommend ki aap logo agar sirf Turkey bhi karna hai na, it's definitely worth it guys, because apna 1 rupya apna 5 rupya is 1 lira unka, to itna conversion mein farak nahi padta. Athens mujhe isliye bhi jaan pa raha hai cuz euros hai, to itni kuch amazing city nahi hai ki main 80 rupya, 80 bhi nahi 90 hota hai conversion ke hisab se har jagah bhar rahi hu, you know. So for me it's like that also. I'm thinking probably because this is my first time, you know, doing a Europe trip and planning and spending and all that, to mujhe thoda stress bhi hai uska, to back of the mind wo sab bhi chal raha hai, but I'm going to let go and let loose in Mykonos and Santorini, because those two have been my bucket list places ever since, like you know, ever since. Jab bhi log travel destination puchte the ki what is your dream destination to travel, I should say Greece, and it's only because of Santorini and Mykonos.
So I really, 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 really hope it lives up to my expectations and my dreams. And वो तो अभी जाएंगे तभी पता चलेगा. If you like this video, don't forget a big thumbs up. For today's video, Sara Sports shout out goes to Urmi Rashik Dedia. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sara Sports shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And if you want to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I love you guys so much. I'll see you soon. Bye. Mwah. We'll be right back.